आ जाओ। बड़ी बीबी ने कहा है आप थोड़ी देर में पार्लर जाने के लिए तैयार हो जाएं। बड़ी बीबी कौन? महरीन बीबी। सलार की अम्मी? जी। उन्होंने खुद कहा है? जी उन्होंने खुद कहा है। वो सलार साहब से बहुत प्यार करती हैं और आप उनकी दुल्हन हैं, इसलिए। ठीक है तुम जाओ। सितारा, सलार भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सलार भाई तुम्हें धोखा नहीं देंगे। देखा नहीं तुमने वो सबसे लड़कर तुम्हें कैसे ले गए थे? और देखना वो अपने घर पे भी तुम्हारी इज्जत करवाएंगे। सबको मना लिया, शायद वाकई प्यार करता है मुझसे। पैसे तो सलमान से बचाने के लिए दिए होंगे। बात करनी चाहिए मुझे। हेलो। अभी से थक गए? अक्सर गलत फैसले इंसान को थका ही देते हैं। कॉफी पिला देंगे प्लीज? दरअसल तुमने शादी ये गलत जगह कर ली है। क्या कल तो आप कुछ और कह रही थी? उस वक्त मेरा ख्याल था कि वो तुम्हारी मोहब्बत है। वो आज भी मेरी मोहब्बत है। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती ना? वो करती है। असल में हम दोनों के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी नानी। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को जलील करने का लाइसेंस नहीं देती बेटा। वो तुम्हारे साथ सिंसियर है ही नहीं। आपको किसने कहा कि मुझे उससे सिंसियरिटी चाहिए? तो तुमने उससे शादी क्यों की थी? उसकी जिद थी, उसे तोड़ना था, तोड़ दिया मैंने। कैसी जिद? बस एक थी जिद। नहीं मुझे बताओ, फौरन बताओ मुझे क्या जिद थी उसकी। अच्छा ठीक है नानी, असल में उसने एक दफा मुझसे कहा था कि रात चलते कोई फकीर भी आ जाए वो उससे शादी कर लेगी मगर मुझसे नहीं करेगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया और उसे जबरदस्ती शादी कर ली। जबरदस्ती शादी तो नहीं की, बस वो उसके घर वालों को कुछ पैसे दिए थे मैंने। घर वालों को? किसे? उसके ताया को? नहीं, ताया के अलावा सबको। हाँ ताया को धमकी जरूर दी थी मैंने, आज भी आने से मना कर रहे थे। मैंने कहा अगर आज आप लोग नहीं आएंगे ना तो बस। ये बातें सितारा को पता चल गई। जाओ यहाँ से। कहाँ? अपने माँ बाप के घर। उनको जाके अपना कारनामा सुनाओ, बड़े खुश होंगे वो। लेकिन नानी, मुझे लगा था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी में ना जाकर गलत किया तुम्हारे साथ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारी शादी में जाकर उस बच्चे के साथ बहुत गलत किया। नानी क्या हो गया? मेरा वलीमा है। सफिया, सफिया। जी बेगम साहिबा। चौकीदार से कहो साहब के जाने के बाद दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर दें।
जी अच्छा। नानी कम ऑन नानी, अरे यार जिस तरह से आधी कोई शम्मा को बुझाती है, बेवफा सहारा हो तो सांस टूट जाती है, टूटते इरादे। अपनी हैसियत छुपाकर मुझे बेवकूफ बनाने को तुम दोस्ती का नाम मत दो। निशिन सितारा, जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, ट्रस्ट मी। इस ढोंग में अपनी आने वाली मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ। तुम्हें गरीब समझकर तुम पर एहसान किया, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। लिसन यार, तुम यहाँ पर आई तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया था। मैं तुम्हारा सलमान नाम का पपेट नहीं हूँ जिसे तुम ये महंगी महंगी चीजें देकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाओगे, समझे? लिसन सितारा, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। मैं चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से हंसाओगे और रुलाओगे। मेरे ताया ने ये सब चीजें इसलिए रखी थी क्योंकि वो तुमसे डरते हैं। मैं तुमसे नहीं डरती, नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ। सच्ची मोहब्बत ऐसे ही रुलाती है। वैसे कितना मुश्किल होता है ना अपने महबूब को किसी और के साथ बैठे देखना। वैसे कोई बात नहीं और ना ही मुझे उसकी कोई फिक्र है। ये तो बहुत अच्छी बात है और फिक्र तो होनी भी नहीं चाहिए, आखिर वो किसी और का शौहर है। लेकिन पता है क्या, अम्मी को ऐसा लगता है कि तुम उन दोनों को साथ देख के बहुत दुखी हो जाओगी। ये क्या कह रही हैं? हाँ ना, जबी तो अम्मी ने तुम्हें भेजने से साफ इनकार किया है। और कहीं वाकई तुम दुखी ना हो जाओ इसलिए घर में बैठो और आंसू बहाओ।